कुरुक्षेत्र में अपराध शाखा 2 ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में संलिप्त 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने अलग अलग मामलों में संलिप्त इन 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जिला पुलिस ने इन आरोपियों को ठेके से लूट करने, मोटरसाइकिल चोर गिरोह व ट्यूबवेल तार चोर गिरोह के लोगों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। वहीं इस मामले में मोटरसाइकिल व ट्यूबवेल तार के साथ अन्य सामान्य चोरी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 25 जून को हमारे यहाँ रकबा सुमाड़ी के क्षेत्र में ठेका है शराब भट्टी का, उस पर 3 व्यक्तियों के द्वारा लूट की गई थी और हमारी टीम ने उस वारदात को खोलते हुए तीनों लड़कों को राउंड अप कर लिया है और तीनों लड़कों के नाम सुखविंदर, सुखजीत और तीसरे लड़के का नाम भी सुखविंदर है। तीनों करनाल के सिद्धपुर के और नडाणा गाँव के रहने वाले हैं और इनको माननीय अदालत में पेश कर दिया गया है। कोर्ट के द्वारा 2 दिन के पुलिस रिमांड पे इनको लिया गया है और रिमांड के दौरान वारदात में प्रयोग किए गए जो हथियार हैं वो बरामद किए जाएंगे और वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी वो बरामद की जाएगी। इस पूरी वारदात को अंजाम नरेश वासी अंजन थली है, उसने दिलवाया था, वो मौके पर नहीं था, वो हमारे 120 है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारी टीम ने 2 चोरी के गैंग भी पकड़े हैं और उनके नाम हरिओम सुखवीर पवन जो ये राघोर के रहने वाले हैं और एक राजन है वो मुरवाखेड़ी का रहने वाला है। उनसे ट्रैक्टर ट्रैली के सामान वगैरह जो चोरी किए हुए हैं वो बरामद किए हैं और 2 उनसे मेन उनके जिन पर वो वारदात करते थे मोटरसाइकिल जो चोरी है मोटरसाइकिल 2 चोरी की मोटरसाइकिल उनसे बरामद किए हैं। कुछ ट्यूबवेल्स की वो किसानों के ट्यूबवेल्स की जो तारे वगैरह हैं वो काटते थे, उसके भी तारे वगैरह बरामद किए हैं और पानी के पंप वगैरह बरामद किए हैं। तो इस प्रकार दोनों चोरी के गैंगों से हमारी 6 वारदातों का खुलासा हुआ है और एक जो ठेके पर हमारी पुरानी एक वारदात थी 3709 के IPC की उनकी वारदात थी उसका खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस इन 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ करने में लगी हुई है कि इन आरोपियों ने इससे पहले किन किन जगहों पर वारदातों को अंजाम दिया था। पंजाब के CCTV के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।